चाट का नाम सुनकर ही मुंह में जो चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है ना कि मत पूछो, लेकिन बाहर खाने जाओ तो हाइजीन का बहुत इश्यू होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो चाट का वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं। फिर सबसे पहले मैंने ये जो वाइट मटर है इसको 6 से 7 घंटे तक फुला लिया था और इसको एक पानी से अच्छे से धो लिया था। और अब इसको हमको प्रेशर कुकर में डालना है पानी के साथ ही। इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बस नमक डालना है, हल्दी डालना है बस। और आपको कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। प्रेशर कुकर का सीटी बंद करके आपको इसको बस अच्छे से सीटी लगा लेना है। ये 4-5 सीटी लगाने के बाद मटर को चेक कर लेना है कि अच्छे से गला है कि नहीं। और ये मटर जब अच्छे से गल गया है दैट मीन्स हमारा छोला हो चुका है रेडी। और अब हमको बस टिक्की बनाना है। अब हमको यहाँ पे टिक्की को सेकना है आलू का। तो आलू का टिक्की बनाना है बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान। मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और आलू को बॉईल करके उसमें जो भी ये होता है मसाले जैसे कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल दिया है ताकि टिक्की थोड़ी सी क्रिस्पी बने। और इस हिसाब से आपको टिक्की का उसको शेप दे देना है, आलू की टिक्की। कुछ बनाने में इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको, बस इस तरीके से टिक्की बनाना है आपको। और आपको इसको तेल में सेक देना है, अलट पलट के सेकोगे क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रीट स्टाइल। बिकॉज अगर आप टिक्की को जितना क्रिस्पी सेकोगे ना, जितना अच्छा से सेकोगे ना, आपका चाट उतना ही अच्छा बनेगा। तो टिक्की सेकने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले आप अपना तवा गरम कर लेना और उसके बाद उसको सेकना। मैं टिक्की को थोड़ा कम कम ही सेकती हूँ ताकि एक साथ ज़्यादा डाल दो आप तो वो टिक्की थोड़ा सा यू नो क्रिस्पी होने में प्रॉब्लम होता है। तो ताकि कम तेल में ज़्यादा टिक्की सेक पाए, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक एक करके इतना कम कम ही टिक्की सेकती हूँ। और आप देखो कितना सुंदर कलर आ चुका है, ये क्रिस्पी ऑलरेडी दिखने लगा है। तो आपको बस इतना थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है अपने टिक्की को। ये देखो दोनों साइड मैंने अलट पलट करके टिक्की को सेक लिया है और हमारा टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, जैसे इसको होना चाहिए। अब हम टिक्की को साइड कर देंगे तवे पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल जाएगा। मैं एक टिक्की चाट बनाऊंगी और दूसरा समोसा चाट बनाऊंगी। मिनी समोसा है और इसको कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता इसीलिए मिनी समोसा का शेयर नहीं कर रहा। इसके ऊपर अब आपने जो चाट का छोला बना रखा है आपको वो डालना है। गरम गरम आप डालोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ठंडा हो जाए उससे पहले आप उसको, अगर ठंडा भी हो जाए तो थोड़ा सा गर्म कर लेना। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया था हल्का फैटा हुआ दही जो आपको डालना है। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, फ्रेश दही यूज़ करना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप जब समोसा आप डालोगे तो मैं यहाँ पर भूल गई थी, आपको समोसा को आप थोड़ा सा फ्लैटन कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे काला जीरा पाउडर, मैं काला जीरा पाउडर पहले ही डाल देती हूँ ताकि दही में जो है एक थोड़ा सा वो फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको लास्ट में भी ऐड कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। काला जीरा के बाद आपको इसमें काला नमक ऐड कर देना है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे चाट मसाला भी डाल देना है। थोड़ा चाट मसाला डाल दोगे तो बिल्कुल चटपटा सा टेस्ट आएगा। और अब जब सारे मसाले डाल दो तो यहाँ पे आती है बारी आपकी हरी चटनी की। ये मैंने पुदीना और धनिया का बनाया है, आप भी पुदीना, धनिया और हरा मिर्च डालकर इस चटनी को बना सकते हो, बहुत ही आसान है इस चटनी को बनाना। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इमली की चटनी जिसको सौंठ भी बोलते हैं, आप इसको घर पे बना सकते हो, उसको भी बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको इमली में थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है और उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, वहाँ पे आपको इस चटनी की वीडियो मिल जाएगी। ना अनियंस ऐड कर देंगे, इसके साथ ही यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आपको ऐड करना है, करो नहीं करना है मत करो। और बस लास्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा भुजिया या सेव जो भी आपके पास है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो
पतले वाला सेव आता है वो भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आलू भुजिया ऐड कर रही हूँ। और ये देखो क्या मज़ेदार फटाफट से हो गया ना चाट रेडी बिना किसी मेहनत के। तो ऐसा मत सोचो कि आप बना नहीं सकते, आप डेफिनेटली बना सकते हो, और ये बना के तो एकदम ट्राई बनता ही है, बहुत टेस्टी। और बस ये फिनिशिंग एकदम स्ट्रीट स्टाइल टच देने के लिए आप इसमें ये वाला ऐड कर दो। और ये देखो हमारा चाट है बिल्कुल रेडी। अब चलो टेस्ट करवा के देखते कैसा है। ये देखो मैंने इसको प्लेट भी कर लिया है, ले चलते हैं टेस्ट करवाने के लिए। स्टार्ट। ये हमारा समोसा चाट और आलू टिक्की चाट हो चुका है रेडी। अभी शानू टेस्ट करके बताने वाला है कि एक्चुअली में ये स्ट्रीट स्टाइल जैसा है या नहीं। हालांकि मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हूँ मैं उन लोगों की कि वो कैसे बनाते हैं। सो देखते हैं इफ शानू लाइक्स इट और नॉट। बहुत बढ़िया है, टिक्की भी बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट है और काफी अच्छा है। स्ट्रीट स्टाइल जैसा है या फिर नहीं? स्ट्रीट स्टाइल अगर सच्ची बोला जाए तो घर में एकदम बहुत अच्छा बना है, और बाहर जो हम लोग खाते हैं उससे तो काफी अच्छा लग रहा है। लाजवाब है ये भी, समोसा भी काफ़ी बढ़िया, चाट तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा लगा है। दोनों का अपना फ्लेवर है, लेकिन फर्स्ट टाइम खाया मैंने टिक्की चाट, तो टिक्की चाट ही बेहतर लगा समोसा चाट से। सो दैट्स इट। ये आई होप आपको ये चाट का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ट्राई करना और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ता-दा।